ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रुति कौशल। इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र में, जानेंगे यहाँ की महिलाओं से कि क्या है उनके दिल में दिल्ली चुनाव को लेकर। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ की जनता से। आप अगले विधानसभा चुनाव में अपने विधायक के रूप में किसे देखते हो? शरद चौहान जी को। क्या कारण है? शरद चौहान जी का ये कारण है, 18 साल हमारी पूर्णवास कॉलोनी मेट्रो बिहार जो आए हुआ उसमें कोई काम नहीं हुए, मगर जो आम आदमी पार्टी ने काम किया हमारे मेट्रो बिहार में, विकास किया, बिजली से लेके स्कूल से लेके पानी से लेके नाली गली से लेके एलईडी लाइट से लेके कैमरे से लेके, इसलिए हम शरद चौहान को ही देखना चाहते हैं आगे के लिए। महिलाओं की अगर खास करके बात करें तो महिलाओं के लिए क्या क्या बदलाव आए इस क्षेत्र में? हम बहुत बदलाव आए हैं। एक तो पहले लाइटें नहीं थी, रोडों पर अंधेरा रहता था, हम 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब हम 10 बजे तक भी बाहर निकल सकते हैं क्योंकि रोशनी रहती है, इसलिए थोड़ा डर कम है निकलने का। और दूसरा कैमरे लग गए हैं, कबाई टाइम ऐसा होता था पर्स छीन के ले जाते थे अंधेरा होता, अब ये कि कई दफ़ा ऐसा चांस हुआ है कि कई जनों को पकड़ा गया है कि कैमरे में उन्हें कैच कर लिया गया, उनको पकड़ा गया और उन सामान जो लेडीज़ों को छीन गया वो मिला है। बाइक वगैरह हम गड़ियों में खड़ा कर देते थे, बाइक ले जाते थे चुरा चुरा के, अब गेट लग गए हैं तो बाइकों की भी काफ़ी सेफ्टी हो गई है। अगले विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहोगे? शरद चौहान जी को। क्या कारण है? वो ये कारण है कि इन्होंने स्कूलों को एकदम सुधार दिया, उन्होंने उन्हीं स्कूलों में काफ़ी स्कूल की बिल्डिंग्स नई तैयार करी हुई है, नरेला में बहुत ज़्यादा उन्होंने सुधार किया, इसलिए ज़रूर चाहेंगे हम उनके। केजरीवाल की सरकार रही है तब से बहुत बदलाव आया, क्योंकि पहले महिलाओं को कुछ भी सुविधा नहीं मिलती थी, अब गाड़ी में बसों में जाएं तो हमें मार्शल मिलते हैं, घर में जाएं तो हमें CCTV कैमरे मिलते हैं, और जो भी हमारे जितनी भी सुविधाएं थे उनसे ज़्यादा काम किया है। और अगला जो विधायक हम चुनेंगे शरद जी को ही चुनेंगे, क्योंकि शरद जी ने एजुकेशन पर भी बहुत अच्छा काम किया है, और जो काम किसी भी विधायक ने नहीं किया वो शरद चौहान जी ने किया है। 20 साल हमारे को यहाँ रहते हुए कभी हमारे लाइट नहीं दी किसी ने भी, और ना ही किसी ने कैमरे दिए, पहली बार ये सरकार आई है और शरद जी ने ये हमारे कॉलोनियों में कैमरे लगवाए हैं, हाई मास लाइट लगवाई है और वाईफाई लगाए हैं, तो हम अगला अपना विधायक शरद चौहान को ही चुनेंगे। शरद चौहान को। क्या कारण है? बहुत अच्छा कारण कर दिया, इतना कि जो कि हमारे कभी 20 साल हो गए पूर्वास कॉलोनी में कभी नहीं आया था, पानी आ गई, सीवर आ गया, नाली भी जो भी है थोड़ा बहुत साफ आया था, और गेट लगे, कैमरे लग गए, और बहुत अच्छा स्कूल में सुविधा, हमारे बच्चे खुद पढ़ते, हम देखते आते जाते SMC से हैं। शरद चौहान। क्या कारण है? शरद चौहान में एक ही बात है कि सबको एक साथ लेके चलती है, और दिल्ली में इतना विकास हो चुका है कि बच्चे बहुत खुश हैं स्कूल से, बहुत अच्छी सुविधा है। अगला विधायक शरद जी को ही चाहती हूँ। मेरे तो हिसाब में भैया शरद चौहान जी को होना चाहिए विधायक, क्योंकि इन्होंने काफ़ी फैसिलिटी दे रखी है, विकास कर रखा है स्कूलों में भी हॉस्पिटलों में भी, मेरे तरफ से तो शरद चौहान जी को ही होना चाहिए। शरद चौहान जी। क्या कारण है? मेरे यहाँ नील धवन जी थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, शरद जी चौहान के अंडर में स्कूलों में इम्प्रूवमेंट हुआ, गलियों में मोहल्लों में कैमरे गेट हैं, आज की लेडीज सेफ है, लड़कियाँ भी सेफ हैं, स्कूल जाती हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो हम कोई डर नहीं रहता, हमारा बच्चा सेफ है, चाहे वो नालियों की हो या MCD कोई भी अंडर में नहीं है उसके, लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं। अगला विधायक शरद चौहान जी ही होना चाहिए, क्योंकि इतना किसी पार्टी ने काम नहीं किया, जब तक से मैं पैदा हुई हूँ ना अब तक मैंने किसी पार्टी को ये सब कुछ करते हुए नहीं देखा। तो ये थी यहाँ की महिलाएं और इनके दिल की बात। आने वाले 8 फरवरी को देखते हैं कि ये ताज किसके सर पे चढ़ता है। ऐसे और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन योगेंद्र कुमार के साथ मैं श्रुति कौशल, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।